नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर ज्ञान और आज हम अपने किशोर एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में ज्योतिष सीखिए आरंभ कर रहे हैं। और इसके तहत आज मैं आपको बता रहा हूँ राशियाँ कौन कौन सी होती हैं और उनके स्वामी को किस प्रकार से याद किया जा सकता है, या राशियों के स्वामी किस प्रकार से याद किए जा सकते हैं और राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, जैसा आप मेरे पीछे बोर्ड में देख रहे हैं, राशियाँ क्रमशः 12 होती हैं जो हमने क्रम से लिखी हुई है, 1, 2 से लेकर 12 तक आप देख रहे हैं मेरे पीछे लिखी हुई है। यहां पर पहले नंबर की राशि को बोलते हैं मेष राशि, दूसरे नंबर पे वृष राशि है, तीसरे पे मिथुन, चौथे पे कर्क, पांचवें नंबर पे सिंह राशि, छठे पर कन्या, सातवें पर तुला, आठवें पर वृश्चिक, नौ पे धनु, दस पे मकर, ग्यारह में कुंभ और अंतिम राशि जो होती है 12वें नंबर पे वो मीन राशि आती है। तो दोस्तों, ये क्रम है जो आप याद रख सकते हैं कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब सवाल ये उठता है कि इनके स्वामियों को किस प्रकार से याद किया जाए, कौन सा आसान तरीका है कि इनकी स्वामियों को याद किया जा सकता है। तो यहां मैं आपको बता दूं, एक सीधा सा क्रम है, 1 से लेकर 8 तक आप आए, इन दो के मालिक बनते हैं मंगल। जी हाँ दोस्तों, 1 और 8 के मालिक मंगल होते हैं। सिमिलरली हम चले 2 और 7 पे आए तो इनके मालिक जो बनते हैं वो शुक्र बनते हैं। अब बात कर लेते हैं 3 और 6 की, इनके मालिक बनते हैं बुध। अब आगे चले कर्क, इसका स्वामी बनेगा चंद्र और इसका स्वामी बनेगा सूर्य। ये दोनों अकेली राशियां हैं जिनको एक एक राशि ही दी गई है, यानी कि कर्क के चंद्रमा और सूर्य सिंह के बने। अब आगे चलते हैं धनु और मीन, इनके बनते हैं बृहस्पति यानी कि गुरु, और मकर और कुंभ के बनते हैं शनि स्वामी। तो दोस्तों, एक शॉर्टकट तरीका है याद करने का, 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, यानी आप 9 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, 18 उसके बाद 27 और फिर 36। 4 और 5 अलग रहेंगी क्योंकि 4 का एक ही स्वामी, 5 का एक स्वामी है। फिर आप चलेंगे 9 और 12 और 10 और 11 दोनों के स्वामी शनि बनेंगे। तो ये आज एक आसान सा तरीका हमने आपको बताने का प्रयास किया जिससे आप याद कर सकते हैं कि राशियों के कर्म क्या है और राशियों के स्वामी को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। दोस्तों, आज की एक छोटी सी प्रस्तुति जिसमें आपको राशियों के स्वामियों को याद करने के लिए आसान तरीका पता लगा और साथ ही साथ आपने राशियों के कर्म को सीखा। आगे हम इसके आगे आपको प्रत्येक नक्षत्र कैसे देखते हैं या नक्षत्रों की गिनती किस प्रकार से होती है यह बताने का प्रयास करेंगे। आप सबने सुना, आपको धन्यवाद, नमस्कार।